हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है दौलत की चाट बनाना। तो आइए बनाते हैं दौलत की चाट। दौलत की चाट बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम दूध लिया है और एक कटोरी हमने फ्रेश मलाई ली है। ये थोड़े से हमने 5-6 बादाम को बारीक कट कर लिया है और 5-6 हमने पिस्ता लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। थोड़े से बादाम हमने कैरेमल बनाने के लिए लिए हैं। ये हमने 15 से 20 हमने धागे केसर के लिए हैं। ये एक गुलाब की फूल की पत्तियां ली हैं और 2 से 3 चम्मच हमने पिसी हुई खांड ली है और ये हमने 2 से 3 चम्मच चीनी ली है। तो सबसे पहले हम दूध और मलाई को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने मिक्सिंग बाउल लिया है। सबसे पहले मैं इसमें ये दूध डाल दूंगी और थोड़ा सा दूध मैं केसर भिगोने के लिए बचा लेती हूँ। अब मैं इसमें ये फ्रेश मलाई एक कटोरी डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें 2 से 3 चम्मच ये खांड डाल रही हूँ। आप चाहे पिसी हुई चीनी या बूरा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे मैं मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये मैंने एक सॉस पैन लिया है। अब मैं कैरेमल तैयार करूंगी। इस सॉस पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच ये चीनी डाल देती हूँ और चीनी मेल्ट होने तक का इंतजार करेंगे हम। ये हमारी चीनी मेल्ट होने लगी है। इसे मैं अच्छे से मेल्ट होने दूंगी चीनी को। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और अब मैं इसमें ये बादाम डाल दूंगी और इसे भी मेल्ट होने दूंगी। बादाम को मैं अच्छे से इसमें रोस्ट कर लूंगी चीनी के अंदर। गैस को मैं स्लो पे ही रखना है। हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं और चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये मैंने एक प्लेट ली है। अब मैं इस प्लेट पे इसको निकाल लूंगी और अच्छे से फैला दूंगी इसे मैं और इसे मैं ठंडा होने दूंगी। गर्म कर लूंगी। दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब ये थोड़ा सा दूध मैं केसर के अंदर डाल दूंगी और इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। ये हमारे इधर कैरेमल बनकर तैयार हो जाएगा और दूध हम ठंडा होने तक का इंतजार। और ये हमारी कैरेमल ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे चक्कू की मदद से निकाल लूंगी। ये देखो कितने बढ़िया से जमकर तैयार हुई है। एक कैरी बैग के ऊपर रखूंगी और इसके मैं टुकड़े कर लूंगी और इसे मैं कैरेमल को मैं तोड़ लूंगी। और ये हमने कैरेमल को अच्छे से तोड़ लिया है। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी और ये मैंने एक बाउल में इसे निकाल लिया है। इसे मैं एक साइड में रख दूंगी और ये हमारा दूध और मलाई अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक ग्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जब तक इसके झाग ना बने तब तक मिक्स करूंगी मैं इसे। आप चाहे इसे मिक्सी में या हाथ के मैसर से ग्राइंड कर सकते हैं और इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी और झाग ही तैयार करूंगी मैं इसके।
ये कितने अच्छे से झाग बनकर तैयार हो रहे हैं हमारे इसके, और ये देखो कितने अच्छे से झाग बनकर तैयार हो चुके हैं। ब्लेंडर को मैं बंद कर दूंगी और इसके ये झाग मैं निकाल लूंगी। ये एक मैंने झरनी ली है, इसकी मदद से ये मैं सारे झाग निकाल लूंगी। ये दौलत की चाट है हमारी, और अच्छे से निकालूंगी इसे, और ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। और जो ये मैंने केसर भिगो रखा है, अब मैं ये केसर के दूध इसमें डाल देती हूँ और इसे मैं फिर से ग्राइंड कर लूंगी। और ये देखो कितने अच्छे से झाग बनकर तैयार हुए हैं फिर से। और अब मैं इन्हें भी इसी प्लेट में निकाल लूंगी। और इसको मैं एक साइड में रख दूंगी। अब मैं इस दौलत की चाट पे थोड़े से बादाम डालूंगी और थोड़े से मैं पिस्ते डाल दूंगी इस पे। अब मैंने ये कैरेमल डालूंगी इसके ऊपर। अब मैं इस पे ये गुलाब की पत्तियां रख दूंगी। और ये हमारी दौलत की चाट कितने आसानी से बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमारी दौलत की चाट देखने में कितनी बढ़िया लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इसे आप सर्दियों में जरूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।